मित्रों नमस्ते, आइए हम बलराम चौरसिया और मुरारी जी भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं, डिवीजन फिरोजपुर रेडियन पठानकोट। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं हमारे बहादुर साथी लोको पायलट को समर्पित एक गीत। हर एक मौसम में, चाहे वह तिलमिलाती गर्मी हो या ठिठुरती ठंड हो, सभी मौसम में हमारे लोको पायलट साथी समय पालन, सुरक्षा, संरक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यात्रियों को खिलाते पिलाते, ऐसो आराम में सुलाते हुए उनके मंजिल तक छोड़ते हैं, भारतीय रेल को चलाने का कार्य करते हैं। भारतीय रेल का अस्तित्व हमारे बहादुर साथी लोको पायलट पर टिका हुआ है। एक्सीडेंट की स्थिति में अनेकों कार्यवाहियों का सामना भी हमारे लोको पायलट साथी करते हैं। इसके साथ साथ छुट्टी की स्थिति में जब उनको छुट्टी नहीं मिलती है, लाख बहाना करने के बाद भी कि लोको फोरमैन साहब, एसएससी साहब, मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हैं क्योंकि स्टाफ की कमी है, उस स्थिति में उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी कहती हैं कि आप छुट्टी का बहाना बनाते हैं, आप तो कोई दूसरी पत्नी वहां पर रखे होंगे इसलिए आपको छुट्टी नहीं मिल पाता है। इस तरह के दिल को झकझोर देने वाले कमेंट का भी सामना हमारे लोको पायलट साथी करते हैं। फिर भी उनकी पत्नी देखिए क्या कहती हैं। रेलगाड़ी चलाता है, सैया घर पे ना आता है। रेलगाड़ी चलाता, सैया घर पे ना आता। मारे गाड़ी में मजा, मुहे घर में दे साजा। कहती है पत्नियां कि गाड़ी में चढ़ के मजा मारते हो और हमको घर में अकेले बंद करके हमको कौन सी सजा दे रहे हो। मारे गाड़ी में मजा, मुहे घर में दे साजा। हमको बाड़ा तड़ पाता है, सैया घर पे न आता है। रेलगाड़ी चलाता, राजा घर पे न आता। मारे गाड़ी में मजा, मोहे घर में दे साजा। हमको बाड़ा तड़ पाता है, राजा घर पे न आता है। रेलगाड़ी चलाता है, राजा घर पे न आता है। जब समय पालन और समय से ड्यूटी जाते हुए लोको पायलट लोगों की पत्नी देखती हैं तो कहती हैं, रेलगाड़ी में तो बहुत ही बिजी रहते हैं आप, लेकिन कभी भी आप मेरा पर्सनल काम, मेरा निजी काम नहीं करते हैं, समय से नहीं करते हैं। आपके पास मेरे लिए थोड़ा भी टाइम नहीं है। आप तो सिर्फ सरकार की गाड़ी चला रहे हैं, घर की गाड़ी को कौन पूछे। रेल में रहते हो बीजी, करते नहीं मेरा काम कोई निजी। रेल में रहता है बीजी, करता नहीं मोरा काम कोई निजी। ड्यूटी पर जाते ही बॉकी टॉकी से क्या पता कहां कहां दिन भर बात करते हो। हमसे तो कभी बात करने का समय ही नहीं मिल पाता है, हमसे कभी प्यार भरी बात कभी करते ही नहीं है। कबो ना हमसे बतियाता है, कबो ना मन भर बतियाता है। रेलगाड़ी चलाता है, राजा घर पे न आता है। रेलगाड़ी चलाता, राजा घर पे न आता। राह देखत रात बीते, दिन भर नींद पूरा खींचे। हो 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 हो। जब हमारे लोको पायलट साथी ड्यूटी करने जाते हैं और निर्धारित समय के बाद, निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंचते हैं, किसी कारण बस ब्लॉक के कारण या फिर कोहरा के कारण या किसी अन्य कारण के वजह से लेट हो जाती है, रात बीतने लगती है, तो उनकी पत्नियां कहती हैं कि रात भर तो आपका राह देखते हुए कट गया, रात बीत गया,
और दिन हुआ तो आपको सोने से फुर्सत नहीं मिल रहा है। दिन में सोते हो और रात भर सरकार की गाड़ी चलाते हो। मेरे साथ तो कुछ आज तक करते ही नहीं हो। राह देखत रात बीते, दिन भर नींद पूरा खींचे, कबो ना खाता ना खिलाता है। खाना बना देती हूँ, पैक करके दे देती हूँ, और क्या पता किसके साथ खाते हो। आज तक तो ना मेरे हाथ से खाए हो ना मुझे खिलाए हो। कबो ना खाता ना खिलाता है, रेलगाड़ी चलाता है, राजा घर पे न आता है। रेलगाड़ी चलावे सैया घरे न आवे। अंत में सरकार को और विधाता को दोष देती हैं कि पहले मैं जान गई होती कि मेरा विवाह मालगाड़ी के ड्राइवर से, एक्सप्रेस के ड्राइवर से, सुपर फास्ट के ड्राइवर से हो रहा है, जिसका जाने का समय तो निश्चित होता है कि इस समय ड्यूटी जाना है, लेकिन आने का कोई समय निश्चित नहीं है। रेलगाड़ी के आगे हमको कुछ समझता ही नहीं है, या फिर समझेगा ही नहीं। रेलगाड़ी उसकी दूसरी पत्नी होगी तो मैं लोको पायलट के साथ विवाह ही नहीं करती। हो निर्दयी सरकार विधाता, लोको पायलट से जुड़ लेना था। हो निर्दयी सरकार या विधाता, लोको पायलट से जोड़ा नाता। बलिराम दुख पतियाता है, बलिराम दुख समझ पाता है, रेलगाड़ी चलाता है, राजा घर पे न आता है। रेलगाड़ी चलावे सैया घरे न आवे। मारे गाड़ी में माजा हमके घर में दे साजा, मारे गाड़ी में माजा हमके घर में दे साजा। हमके बाड़ा तड़ पाता है, सैया घर पे न आता है। रेलगाड़ी चलावे सैया घरे न आवे, रेलगाड़ी चलाता सैया घर पे न आता। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल, जय लोको पायलट शक्ति।